नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में मैं बात करूँ जो दूसरे नंबर पे मिल्किंग कंपटीशन में गाय है, उसके बारे में जानेंगे, उसके फीडिंग के राज जानेंगे, आखिर क्या मेहनत करना पड़ा इस चीज को पाने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार में मिल्किंग कंपटीशन पहली बार हुआ। हमारे इससे युवा जो है, अभी युवा जितने प्रतिभाशाली है, जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनको भी काफी प्रेरणा मिलेगी। तो आइए हम सर से बात करेंगे और जानकारी। स्वागत है सर हमारा चैनल पर आपको। धन्यवाद सर। आप तो परिचय के वैसे मोहताज नहीं, फिर भी अगर आप अपने फार्म का परिचय बता देंगे। प्रियंवदा फार्म्स के नाम से हम लोग का है, रेवतीत में गोपालगंज। मेरा नाम अस्तित्व है। अच्छा, फार्म मेरी वाइफ के नाम से है जी। और जी हम लोग डेयरी में जो है ब्रीड पे काम करते हैं अपने यहाँ। अच्छा, तो दूसरे आज कितने मतलब गाय लेकर किस एक्सपो में आप आए थे? तीन गाय और एक छोटी बछिया लेके आए थे। बछिया लोगों को दिखाने के लिए लाए थे कि 11-12 महीने में बछियों का वेट क्या होना चाहिए। तो जो भी आए हैं, सब लोग को जितना हो सका है हम लोग इन्फॉर्मेशन पास किए हैं अपने पास से, ताकि लोग में एक जागरूकता आए ब्रीड को देख करके कि ब्रीडिंग करनी कैसे है। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले इससे शुरुआत करेंगे, तो ये किस चीज में चैंपियन आई है आपकी? ये सेकंड आई है, रनर अप है मिल्किंग कॉम्पिटिशन में, 38 किलो 550 ग्राम दूध करके। अच्छा अच्छा। और तो इसके बारे में सबसे पहले आप बताएंगे, इसकी पूरी डिटेल्स बताएंगे, कौन सी सीमेंट की है। ये मैंने 4 साल पहले पंजाब से गाय खरीदी थी। अच्छा। 3 साल पहले, ये 1 साल 10 से 11 महीने की थी, तब आई थी मेरे यहाँ, फर्स्ट लैक्टेशन में आई थी। अच्छा अच्छा। अभी ये थर्ड लैक्टेशन में है। हुँ. और ये पंजाब की है। इसका ये ब्रीड तो जो है उसका कैरेक्टर आपको दिख रहा है, बट एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते हैं कि ये मतलब किसकी प्रजनी है। और ये हमने चोपड़ा डेयरी फार्म से खरीदा था। तो सर आप एक चीज जानना चाहेंगे, आखिर सेकंड रनर अप होने का मतलब इसके पीछे राज क्या है आपका, इसके बारे में बताएं, क्या फीडिंग था ताकि लोग सीख सके इस चीज को? देखिए, जो फीड है वो हमारा माँ डेयरी का फीड हम लोग दे रहे हैं। सुधीर भैया हम लोग का बहुत मदद करते हैं फीडिंग में, साथ में हम लोग साइलेज देते हैं, पूरा फीडिंग का चार्ट बना के DMI के आधार पे सुधीर भैया की तरफ से जानकारियां मिलती है। अच्छा। और हम लोग उसी तरीके से फीडिंग करते हैं जिससे हमारी गाय इतना अच्छा रिजल्ट दे रही है। अच्छा अच्छा। तो प्रशस्ति पत्र दिखाना चाहेंगे? प्रशस्ति पत्र तो घर चला गया सारा, वो मढ़वाने के लिए। जी जी। अब तो दूसरी गाय के बारे में जानना चाहेंगे, इसका क्या स्थिति रहा इस चैंपियनशिप? ये तो ब्रीड चैंपियन है ब्रीड में। अच्छा, ये ब्रीड नंबर वन? ब्रीड में नंबर वन है। अच्छा अच्छा। तो ये ब्रीड में नंबर वन, ये ब्रीड चैंपियन में नंबर वन रही है। और इसके बारे में जानेंगे, इसकी डिटेल्स जानेंगे इस गाय के बारे में, तो आप इसके बारे में सर बताएंगे पूरा। ये वर्ल्ड वाइड शायद डेफी की बच्ची है। जी। इसकी मदर के मतलब इसकी जो मदर थी वो CRI मेसी की बेटी थी। अच्छा। और ये 2 टीथ में 4th पोजीशन लाई है, जहां गाय 3rd और 4th लैक्टेशन, 2nd लैक्टेशन की फाइट कर रही थी, वहां इसने 4th स्थान प्राप्त किया है। दे, दे। और इसने 35 लीटर के करीब मिल्क उतारा है। और ये वहां पे 4th रैंक पे है और ब्रीड चैंपियन है। अच्छा अच्छा। हाँ, ब्रीडिंग में नंबर वन पे इसका रहा। और मिल्किंग में क्या इसका रहा स्थिति? 35 लीटर और फोर्थ पोजीशन पे। जी। तो इसका भी सेम फीड प्लान होगा, कोई अलग तो होगा? जी जी जी। अच्छा। फीडिंग वो हम लोग सारा माँ डेयरी का। अच्छा। और तीसरा गाय जो हम देखना चाहेंगे आपका, इसका ये सबसे महत्वपूर्ण गाय भैया के फार्म की, इसको तो हमने बड़े होते हुए भी देखा इस गाय को। जी जी। इसको आप लोगों ने बच्चे से देखा है? बच्चे से हमने इसको देखा है। ये एकदम मेरे फार्म की बछिया है। बिल्कुल। तो इसके बारे में बताएंगे आप? ये 7th रैंक्ड थी मिल्किंग में। जी। और इसने 29 लीटर 700 ग्राम दूध किया, मात्र 300 ग्राम से 30 लीटर छूटा है। और ये फर्स्ट जनरेशन प्रोजनी है, इसकी मदर मात्र 4199 लीटर की थी। जी। और उसका जो हाईएस्ट पीक यील्ड था वो 22 लीटर था। अच्छा। तो 7 लीटर का इसने जंप लिया है पहले लैक्टेशन में। जी। जब इसकी मदर ने इसको जन्मा था तब वो 3rd लैक्टेशन में थी, मेरे यहाँ 2nd लैक्टेशन में उसने 22 लीटर दूध किया था हाईएस्ट। तो जो ये पहले ही बार में 29 लीटर गई है, ये सेकंड आते आते अगली बार जब कंपटीशन में आएगी तो हो सकता है 35 से 40 लीटर के बीच में ये परफॉर्म कर रही होगी। तो एक 7th में, ये 7th में जी, ये 7th पे, ये 7th में एक ब्रीड चैंपियन में नंबर वन, एक और फोर्थ में वो भी 4th में। तो इसके पीछे राज क्या है, आप पूरी टीम के साथ मैनेजमेंट का राज बताएंगे? देखिए, मैनेजमेंट जो है, मेरे दो जो सबसे विश्वस्त फार्म में मेरे लड़के हैं, मेरे कलीग हैं, एक तो ये रणधीर है, यही हमारा फीडिंग चैंपियन है। अच्छा। गाय को खिलाना दूहना इसका काम है। जी। और ये जो है गाय को बहुत मतलब हद से ज्यादा प्यार करके खिलाता है। अच्छा। और दूसरे हमारे राणा हैं। ये गायों का इलाज, गायों की बीमारी, जो भी मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शंस होता है उसको फार्म पे अच्छे तरीके से लागू कराते हैं, साइलेज बनाने में हमारी मदद करते हैं, भूसा परचेजिंग, जो भी मतलब फार्म का एडमिनिस्ट्रेशन देखने का काम राणा के पास है। अच्छा अच्छा। और इनके अलावा एक संतोष भैया हैं जो कि मतलब पूरे फार्म को
की टीम को एक साथ वर्क करने में जो है सहयोग करते हैं। जी जी, तो राणा जी और रणधी जी क्या कहना चाहेंगे आपको, मतलब दोनों लोग कैसा महसूस हो रहा है ये पहले बताइए। नमस्कार, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मेरा गाय एक चैंपियन आई है और दूसरे सेकंड नंबर पे और ये सेवन नंबर पे है ये बचिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं राणा जी और रणधीर का दोनों का मुस्कान को आप देखेंगे जो इन्होंने मेहनत किया और उसका जी बिल्कुल तो जो इन्होंने मेहनत किया और उसका आज फल इन्होंने पाया ये चीज हुआ। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, भैया से अंतिम जानना चाहूंगा कि आप बिहार के लोगों के बारे में क्या जानना कहना चाहेंगे कि लोग देखिए अभी तो हम बहुत पीछे, अभी भी कहना चाहेंगे ये बहुत पीछे हैं, अभी भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि जब हमारी गाय पंजाब पीडीएफ में जाए और उनकी गायों को हरा के आए तब कहेंगे कि हमने जो है कुछ अचीव किया है। अभी तो हम अपने में लड़ करके जीत के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम वहां जाके लड़ के जीत के आएंगे, जब पंजाब में पंजाब वालों की बजा के आएंगे तब होगा कि हाँ बिहार ने कुछ किया है। और उसको करने के लिए समय चाहिए, बहुत समय लगेगा, बट हम लोग अचीव करेंगे इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। दूसरी बात ये भी रहा कि हमारे यहाँ इस कंपटीशन में बहुत कम ही लोग हैं। देखिए हम लोग साइलेज बनाते हैं हर साल जी। और साइलेज में बहुत सहयोग हमारे प्रशांत जी का होता है, ये केमिन से हैं और ये हम लोग को एनोकुलेंट और साइलेज सेवर उपलब्ध कराते हैं हर साल, जिसे हमारे साइलेज में फंगस और किसी तरीके का टॉक्सिन आने, टॉक्सिसिटी आने से बचाते हैं ये, और काफ़ी हम लोग को नॉलेज भी देते हैं और प्लस हमारी साइलेज जो बनती है उसका टेस्टिंग वगैरह करके हम लोग को उसके क्रूड प्रोटीन और बाकी उसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को हम लोग के साथ शेयर करते हैं। तो इसका बेनिफिट हम लोग को पता होता है कि हम लोगों की गाय जो साइलेज खा रही है उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से फिर हम लोग अपना टोटल डीएमआई जो सुधीर भैया हैं उनसे बनवा पाते हैं। और साथ में हमारे यहाँ जो ब्रीडिंग चलता है उसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है, इनका एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ यूज होता है रेप्रोमिन करके, जो हमारी गायों को अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ से बचाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और लास्ट ईयर का मैं परफॉर्मेंस बता देना चाहूँगा कि मेरे यहाँ 27 गाय और 5 बछिया थी ब्रीड करने के लिए, उसमें हमने 29 प्रेगनेंसी अचीव किया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई फार्म अगर 90% प्रेगनेंसी पकड़ रहा है इसका मतलब वो फार्म पे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन चल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से मिनरल्स और विटामिन्स को मैनेज करके गायों को चला जा रहा है। तो इसमें प्रशांत जी को बहुत बड़ा सहयोग है, मैं चाहूँगा कि दो बात प्रशांत जी भी अपना बोले। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पशुपालक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि साल में एक बच्चा जो है गायों का आना चाहिए, तो उसके लिए जो एआई जब करवाते हैं तो एआई के बाद 8वें दिन से 16वें दिन में अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ जो भ्रूण खराब हो जाता है उसको बचाने के लिए रेप्रोमिन का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ट्रेस मिनरल्स और विटामिन्स है। और सर रेगुलरली यूज करते हैं, कंटिन्यू लगभग 3 साल से ये फार्मिंग कर रहे हैं और 3 साल से उसके रिजल्ट को देख रहे हैं। साइलेज वाला भी 2 साल से, और साइलेज में भी जो है इस बार इन्होंने साइलेज बनाया है और वो यही खुद ही फीडबैक देंगे। और साइलेज में क्या होता है कि हमारा एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है केमलेक्ट HD, जिसको स्प्रे करके उसमें छिड़काव किया जाता है जिससे उसका pH बैलेंस रहता है और उसका pH सही रहेगा, फ्लेवर अच्छा आएगा तो गाय खाएगी, किसी तरह का टॉक्सिसिटी नहीं होगा, तो वो सेफ्टी के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद। तो पूरी टीम को हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि एक 7वें नंबर पे, एक 4थे नंबर पर एक ब्रीड चैंपियन आई है, एक दूसरे नंबर पे भी, वो मत छोड़िए, बिल्कुल दूसरे नंबर पे आई है। पूरी टीम को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो।